इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है, जिसकी वीडियोस और तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। इस मीटिंग में विपक्ष के 28 पार्टियां शामिल हुई है। मोदी सरकार को हराने के लिए इनमें से बहुत सारी पार्टियों ने कॉम्प्रोमाइज भी किया है। कपिल सिब्बल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये कुछ ऐसे नाम है जिनकी कांग्रेस से काफी समय से अनबन चल रही थी। लेकिन आज सारे दल एक अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं, कह रहे हैं यूनाइटेड वी स्टैंड। 1 सितंबर को दूसरे दिन की बैठक खास है। इस दिन कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, चाहे वो पार्टी लोगो हो, संयोजक हो, या समन्वय समिति, या फिर सीट बंटवारा का फॉर्मूला हो। हालांकि इन सबसे अलग कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि ये दिन इन नेताओं के लिए कितना बड़ा दिन है। कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा के साथ बातचीत करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस दौरान डी राजा के राइट साइड में एनसीपी नेता शरद पवार बैठे हैं। तीनों नेता अलग अलग राज्य के बड़े नामों में शुमार है। तीनों हंसते हुए बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है डी राजा महबूबा मुफ्ती को कुछ बता रहे हैं। इसके बाद इस मीटिंग में कपिल सिब्बल भी नजर आए, जो वैसे तो कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो लगातार कई मामलों में केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त काम कर रहे हैं। कांग्रेस की नाराजगी तो उनसे थी, लेकिन लगता है इनके बीच भी गिले शिकवे अब दूर हो गई है। कपिल सिब्बल को कभी सीताराम येचुरी, कभी अखिलेश यादव, तो कभी शरद पवार के साथ बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। ये सारे नेताओं के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है, जैसे उन्हें कोई बड़ी विक्ट्री मिल गई है। निश्चित तौर पर दूरियों को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि बीजेपी के तमाम दावों पर करारा प्रहार किया जा सके, ताकि इंडिया गठबंधन की प्लानिंग पर कोई ब्रेक ना लगे। इन तस्वीरों में उद्धव का हाथ पकड़े डी राजा को भी देखिए। संदेश साफ है, यूनाइटेड वी स्टैंड। वही कुछ तस्वीरों में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी भी साथ देखी जा सकती है। इन दोनों नेताओं के बीच में लंबे अरसे बाद लास्ट मीटिंग में बातचीत शुरू हुई थी। इस बार भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे का दिल से स्वागत किया। ममता ने सोनिया गांधी को सम्मान के तौर पर शॉल भी ओढ़ी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। मीटिंग की जो तस्वीरें फिलहाल सामने आई हैं, उसमें राहुल गांधी के पास सीताराम येचुरी नजर आ रहे हैं, दोनों बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार भी राहुल के पास है और ममता बनर्जी भी। उधर सोनिया गांधी के पास खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव नजर आ रहे हैं। खैर, अभी इन नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, इसके बाद असली खुलासा होगा इंडिया के प्लान का। इसी के साथ देखना होगा कि बीजेपी को घेरने के लिए गठबंधन आखिरकार कौन सा चक्रव्यूह रचता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।